हेलो पेरेंट्स, दिस इज नीलम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि बच्चे को पानी देना कब से स्टार्ट करना चाहिए, क्या 6 मंथ से छोटे बच्चे को पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये टॉपिक आज मैं कवर करने वाली हूँ। बट इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ ऐसे ही पेरेंटिंग एंड बेबी केयर से रिलेटेड सो मैनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो सब्सक्राइब नाउ। जब बच्चा छोटा होता है, 6 मंथ से छोटा बच्चा, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे कि अभी गर्मियां चल रही हैं कि भाई गर्मियां हो रही हैं, बच्चे को थोड़ा सा पानी पिला दो, कुछ नहीं होता पानी पीने में। बट 6 मंथ से छोटे बच्चे को पानी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। पहली बात कि बच्चे का पेट जैसे कि बहुत छोटा सा ही होता है और बहुत थोड़े में ही बच्चे का जो टमी होता है वो फुल हो जाता है। तो अगर हम बच्चे को पानी पिला देंगे तो बच्चे का जो टमी है वो पानी से ही फुल हो जाएगा, एंड इसके बाद वो मदर मिल्क या फॉर्मूला मिल्क जो भी आप बच्चे को दे रहे हो वो नहीं पिएगा। तो मिल्क नहीं लेने के कारण बच्चे को जो न्यूट्रिशंस है वो नहीं मिलेंगे। आप न्यूट्रिशंस अगर बॉडी में नहीं आएंगे बच्चे के, तो बच्चे की जो ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा। तो इस रीजन से भी बोलते हैं कि बच्चे को पानी नहीं देना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि जो मदर मिल्क होता है एंड जो फॉर्मूला मिल्क होता है उसमें 70-80% तक पानी होता है, जिससे ऑलरेडी बच्चे का जो प्यास है वो बुझ जाती है। तो बच्चे को अलग से पानी देने की कोई जरूरत नहीं होती है। थर्ड पॉइंट ये है कि बच्चे की जो किडनी होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो पानी को डाइजेस्ट कर पाए। तो इस वजह से भी बोलते हैं कि बच्चे को 6 मंथ से अगर छोटा है तो उसको पानी नहीं देना चाहिए, बिकॉज अगर पानी देंगे तो किडनी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और जिस वजह से बच्चे को कुछ भी हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है। एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 6 मंथ से छोटे बच्चे को पानी पिलाने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो मदर मिल्क होता है, फॉर्मूला मिल्क होता है, उसमें जो पानी होता है 70-80% वो बच्चे की नीड को फुलफिल कर देता है। तो 6 मंथ से छोटे बच्चे को पानी नहीं पिलाना चाहिए। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे को 6 मंथ से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पानी क्यों नहीं देना चाहिए। एंड अब बात कर लेते हैं कि हमें बच्चे को पानी कब से देना है और कितनी क्वांटिटी में देना है। तो जब आप बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस करा लें 5th मंथ या 6th मंथ में, तो जब से भी आप अपने बच्चे को फूड देना स्टार्ट करते हैं तब से आपको अपने बच्चे को पानी देना भी स्टार्ट कर देना है। क्योंकि जो फूड है, भले ही वो प्यूरी फॉर्म में भी आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो तब से आपको जो है अपने बच्चे को पानी देना स्टार्ट कर देना है, जब से आप अपने बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस करा रहे हो। अब कितनी क्वांटिटी में देना है, तो स्टार्टिंग में आपको अपने बच्चे को 30-60 ml तक पानी स्टार्ट करना है और धीरे धीरे करके जो है पानी की क्वांटिटी बढ़ानी है। और फिर बाद में 8th मंथ या 9th मंथ में बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे को जितनी प्यास लग रही है, जितना पानी पी रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को पानी दे सकते हो। तो यही था मेरा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।